अभी तो इस वक्त मेरे पास इतने ही रुपए हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं बाकी के रुपए कल किसी के हाथ भिजवा दूंगा। आप बस मुझे खजान सिंह जी की जमीन के कागज लौटा दीजिए। ये क्या कर रहे हैं भैरव सिंह जी, हमारे गांव के समधी साहो जी। कागज ले जाओ और भगवान की सौगंध, मुझे एक रुपया ना चाहिए। नहीं नहीं भाई जी, ये रुपए तो आपको रखने ही पड़ेंगे। देखिए, हर सौदे का एक उसूल होता है और हमारा भी तो लेन देन का ही कारोबार है, नुकसान किसी का नहीं होना चाहिए। बस एक विनती है आपसे कि खजान सिंह जी की जमीन मैंने आपसे छुड़वाई है, ये बात किसी को पता ना चले, और खजान सिंह जी को तो बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। आप निश्चिंत होकर जाओ जी, किसी को कानो कान खबर नहीं पड़ेगी और मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा जी। बड़ी मेहरबानी आपकी। अजी मेहरबानी क्या की जी, मेहरबानी तो था की जी, और मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूं कि हर छोरी के बाप को आपके जैसा समधी मिले। हाँ ये लो जी। समधी सर, आप जैसा देवता इतना बड़ा उपकार कर सकता है, पर खजान को मालूम चलेगा तो बहुत नाराज होगा, मुझसे कहेगा मैंने ऐसा कैसे उन्हें दिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपका नाम बीच में नहीं आने दूंगा। और ये कागज? ये कागज मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा, फिर गोने के बाद उन्हें दे दूंगा। बहुत दयालु और महान है समधी साहब, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे आपका। गोविंद जी देखिए, जरूरत पड़ने पर अपनों के काम आना हम सबका धर्म है, और ऐसा करके कोई कोई देवता या महान नहीं बन जाता है। अब चलिए, सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे, आइए। नहीं माँ, तुम खाओ ना। मारे को भी बस, तुम्हारे सामने आ गई, तुम्हारे शरीर में जान आ गई। कैसे तारे घर में सब? सब ठीक है। तारी सुगुना दीदी का गौना होने जा रहा है, सारी तैयारी हो गई? हाँ, सब लोग उसी में लगे हैं माँ, कितने सारे लोगों को नौता भी तो देना है ना। अपने कुंकू पत्री देखी ना? बहुत सुंदर है, उसमें मैंने और जगदीशी तुम्हारा बाबू का नाम लिखा है। पता है, दादी साने सुगुना दीदी के लिए ढेर सारा सामान जमा किया है, और उनके जेवर के बक्से में से सुगुना दीदी को इतना बड़ा हार भी दिया, और ये देखो मुझे ये सोने की चेन भी दी। दादी साने दी थारे को? पता है, मैंने और जगदीश ने जाकर दहेज वाले कमरे में सारा सामान देख लिया, कितनी सारी चीजें हैं वहाँ, एक बड़ा सा पलंग, एक रंगीन बड़ा सा टीवी, और वो आईने वाला टेबल जिसके सामने खड़े होकर तैयार होते हैं, और नंदोई साई के लिए मोटरसाइकिल भी है, और बहुत सारी चीजें हैं। अब देखोगी ना तब जानोगी। पता है दादी साने मुझसे क्या कहा? सारा सामान अच्छे से देख ले बिंदनी, फिर जाकर अपने माँ बापू को बताना कि मैं अपनी छोरी को गौने पर क्या क्या दे रही हूँ। माँ, तुमने और बापू ने मेरे गौने पर मुझे टीवी क्यों नहीं दिया? दिया होता तो मैं उसे अपने कमरे में ही रखती, जब जी करता उसे देखती। लाड़ो, तारे सासरे वालों से तारे माँ बापू की कोई बराबरी ना है, उनके सामने खड़े होने की हैसियत ही ना है हमारी। बहुत भाग वाली है तू, जो इतना अच्छा सासरा और सास ससुर मिले तारे को। माँ, तुम उदास क्यों होती हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया, टीवी नहीं तो क्या, आपने मुझे कितनी सारी अच्छी अच्छी चीजें दी, और हमारे घर तो एक टीवी है ना, वहाँ मुझे देखने से कोई थोड़ी ना मना करता है। तुम रो मत ना माँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। आनंदी बेटा, चल जाने की तैयारी कर, सारे बापू सारे सासू माँ को वापस जाकर भी बहुत सारा काम करना है ना।
चोरी से बात करने में पूछना ही भूल गई। समधी जी और समधन सा ने ठीक से खाया पिया? कृष्णा भाभी सा ने सब संभाल लिया, चाय नाश्ता हो गया है। तू बस छोरी से विदा ले ले, समधी सा तैयार खड़े हैं जाने के लिए। अभी तो आई है लाड़ो, अभी चली जावेगी। भागो, ज्यादा टाइम ना लगा, देर हो रही है। मारी चिंता ना करना। माँ, अच्छे से खाना खा लेना और वैद्य से दवाई भी ले लेना। ले लूंगी। तू नहीं जानती लाडू, माँ बापू के लिए औलाद ही वैद्य हकीम का काम करती है। सारी बीमारी अपने कलेजे के टुकड़े को देखकर दूर हो जाती है। हम जब आए तब आप कितनी कमजोर लग रही थी और अब देखिए। माँ बापू, दादी सा ने कहा है सुगना जीजी के गोने से 2 दिन पहले ही आ जाना काम काज में हाथ बटाने के लिए। आओगे ना? जान सिंह जी, एक बिनती है आपसे। देखिए, ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बस बस शगुन कर दीजिएगा। हमारी बेटी को आपके आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। चलिए बेटा। चलती हूँ माँ, जल्दी से आ जाना। अच्छा खजान, मैं भी चलता हूं। सुना आपने के बोल गए समधी सा? कुछ भी लाने की जरूरत ना है। कितने भले लोग हैं आनंदी के सासरे वाले, और आप ना जाने के सोच के परेशान हो रहे हो। अब जाओ, जाके जमीन छुड़वा लो। भागो, ये तो बड़प्पन है समधी साखा जो ऐसा बोल रहे हैं। तू मासा का स्वभाव तो समझे ना, उस सुगना के दहेज वाली बात क्यों सुनाई आनंदी को? अरे आनंदी तो बच्ची है, मासा की बात ना समझे, पर तू तो समझ।
फिर बिरादरी का भी तो सोचना पड़े। हमारे पास और कोई रास्ता ना है भागो। बस ये गौणा निपट जाने दे, कैसे भी करके मैं जमीन छुड़वा लूंगा। भरोसा रख। तो अच्छी घरवाली वो होवे जो पूरे परिवार को संभाले, एक धागे में पिरो के रखे सबको। अब पीहर में तो बींदड़ी के अब गुड़ छुप भी जावे हैं सुगना, पर सासरे में जरा सी भी भूल हो जावे ना तो बींदड़ी की सात पीढ़ियों को कोसने बैठ जावे लोग, समझी? खरा बींद तो भला दिखे वैसे तकड़ से ही लागे कि अपनी बींदड़ी के आगे पीछे ढोलता रहेगा पर जब तक सास ससुर को खुश करने की ना सोची ना, तब तक सासरे में ना निभने वाली छोरी, ना निभने वाली। इसीलिए अपने मां बापू जैसा ही समझना दोनों को, ऐसा ही प्यार देना, उनकी हर बात मानना, उनका आदर करना, उनके खान पान, उनकी सेहत का ध्यान रखना। ये सब करेगी फिर देख कैसे लाड करेंगे अपनी बींदड़ी से थारे सास ससुर। माँ बापू आ गए। आई लगू मास मिलाई अपनी माँ से? अच्छा हुआ दादी से जो मैं चली गई, माँ बहुत बीमार थी। हाँ हाँ जानू छोरी, इसीलिए तो तने बुलाया उनने। छोरी ना हुई संजीवनी बूटी हो गई। अरे कोई बीमार पड़े तो बाकी दुनिया तो हकीम जा वैद्य को बुलावे, पर हमारी बींदड़ी के माँ बापू अपनी छोरी को बुलावा दे रहे। इतना देखने की गरज ना है किसी में कि शादी ब्याह के घर में कितने काम हो गए हैं। तभी तो मैं घर जल्दी वापस आ गई दादी सा। अब बिल्कुल भी गुस्सा मत होना, मैं सारा काम कर दूंगी। मैंने माँ को दवाई खिला दी और उन्हें बोल दिया कि अपना ख्याल रखना और जल्दी से मेरे सासरे आ जाना। अब बिल्कुल भी माँ की चिंता मत करो। मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है छोरी, जब हमारे बेटा बहू और तू पूरे संसार की सेवा करने को तैयार बैठे। और घर के काम का क्या, घर के काम तुझे ढोकरी कर लेगी। अपनी बड़ी बींदड़ी को जो पेट से है, सुगुणा को जिसका गौणा सर पे है, इन सब को अकेले ही संभाल लेगी ये ढोकरी। किसी को परवाह करने की जरूरत ना है। साहब समधन साहब की तबीयत सचमुच बहुत ही खराब थी। आनंदी को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ गई। आप काम की बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गया हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। जाने दो ना दादी साहब, अभी तो आप मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बता रही थी और अब रूठ गई, मान जाओ ना। कुछ दिनों में तो मैं अपने सासरे चली जाऊंगी, फिर आप लोगों के साथ रहने का मौका कहाँ मिलेगा। जाने से पहले मैं आप सब लोगों को खुश देखना चाहती हूँ। आपका गुस्सा नहीं ले जाना मुझे अपने दहेज में, दो चार टोकरी हंसी दे दो ना।
दादी सा छोरी अरे तू क्यों मुस्कावे है भैरो? अपनी पोती का मन दुखा के हमारे से पाप ना होवेगा इसलिए अपना गुस्सा उतार के फेंक दिया। हाँ ये ना समझना कि थारी भूल को भी भुला दिया थारी माँ ने। और तू छोरी हाथ मुंह धो के कपड़े बदल के जा रसोई में खाना पका। हाँ साहब मैं भी कपड़े बदल लेता। और बातें बताओ ना दादी सा। अच्छा ये बताओ जब आपको खाना बनाने में देर हो जाती थी क्या दादू साहब पे नाराज होते थे या फिर आपका हाथ बटाने के लिए रसोई में आते थे? अरे हर छोरी मरद कहीं रसोई में जावे हैं? तो दादी सा क्या दादू सा? अरे छोरी कल के लिए भी कुछ छोड़ेगी क्या कि सारी बातें आज ही कर डालेगी? जा अब बहुत थक गई थारी दादी सा। खाना खाऊं तो मैं भी सो जाऊं। क्या अच्छा हुआ चुया तो आ गए। मास्टर जी के इस मेंढक ने तो मेरा दिमाग ही खाली कर दिया है। मेंढक? हाँ मेंढक का चित्र बनाने को कह दिया सबसे। अरे इससे तो गणित का सवाल ही ज्यादा सरल लगता है। पर वो भी तो तू मुझसे ही करवाता है ना? हाँ तो क्या ये बता अगर मैं ना होती तो तेरा स्कूल का काम कौन करता? तू कैसे ना होती इसलिए तो ब्याह कर लाया तुझे। अच्छा तो भाभी को इसीलिए ब्याह कर लाया ताकि अपने स्कूल का काम करवा सके इनसे? और नहीं तो क्या? चीची देखो ना कैसी बात कर रही है। कोई बात नहीं भाभी ये तो ऐसा ही है। अरे सही तो कहा मैंने। चुप कर ना जग्या पहले मुझे भाभी से बात तो करने दे। ये अभी अभी तो मायके से आई हैं। चलो भाभी तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? बहुत बीमार थी वो मुझे देखते ही रोने लग गई। एकदम से मुझे अपने गले लगा लिया। बहुत बुखार था उन्हें। इतना सा मुंह हो गया था उनका। उन्हें देखकर बहुत बुरा लग रहा था। फिर थोड़ी देर में वो ठीक हो गई थी पर पता नहीं बुखार उतरा भी होगा कि नहीं। उतर जाएगा तुम चिंता मत करो। दवा खा रही है ना? पहले तो ना खा रही थी खाने के लिए भी मना कर रही थी। फिर मैंने उनको अपने हाथों से खिलाया और सासू माँ ने भी कहा कि जल्दी से ठीक हो जाओ फिर गौने पर आना। तू इतने घुमा के बात क्यों करती है? सुमा जी ने पूछा कि तेरी माँ की तबीयत कैसी है तो सीधे सीधे बोल देना कि अब ठीक है। क्या हुआ तुम दोनों एक दूसरे कैसे की देख रहे हो? सही तो कहा मैंने। तू नहीं समझेगा। अच्छा एक बात बता तू अपने माँ बापू के घर से मिलने क्या लाई है? मैं तेरे लिए क्यों कुछ लाऊंगी मैं तो सिर्फ माँ से मिलने गई थी ना। एक कुछ तो लाएगी ना। बीन भी अपने मायके से बीन के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लाती है। कैसी बातें कर रही जग्या? क्यों दादी साहब कहती नहीं रहती कि बीन भी अपने मायके से खाली हाथ नहीं आती कोई भेंट जरूर लाती है। हाँ लाती है पर हमेशा कुछ लेकर आए ये जरूरी नहीं होता समझा? तो तुम्हारे लिए इतना सारा दहेज क्यों भरकर रखा दादी साहब ने उस कमरे में? और जीवसा के लिए तो कितना सारा सामान दे रहे माँ बापू तो ये चाहिए अपने मायके से मिलने क्यों कुछ नहीं लाई? चुप क्यों हो गई बोलो ना। दहेज जैसी कुरीतियां परिवार के अस्तित्व को संकट में डाल सकती हैं। उनका परित्याग ही समय की मांग है।